खूब भाई, मैं रोंगटे खड़े हो रखे हैं, मेरे कसम से रोंगटे खड़े हो रखे हैं। क्या लग रहा है? लाइट करना अंदर। भाई बीच में कुछ है, ये कोई है क्या? कौन है ये? हैं? पहल रहा है कोई तो अंदर। भाई भाई कौन है वो? भाई चले नहीं चले? वहीं पे क्या अंदर कोई है क्या? हैं? अंदर है? गेट ओपन हुआ भाई। ये अपना स्वागत कौन कर रहा है भाई इसमें? हैं? भाई फट गया, आदमी आ गई अभी से ही। अंदर चले। तू ना इस रफ़ाना। मैं शेड्यूल ठिकाना बना रखा है। वहां भी कोई नशेड़ी है क्या? वो जो दिखा था अभी, पता नहीं भाई। ये तो बंद कर रखा है, गेट ही बंद कर रखा है अशोक भाई। ये तो ईटे लगा के बंद कर दिया गेट को भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए कसम से बता दूं। कुछ तो है भाई यहाँ पे। वो है ना, क्या बोलते हैं, हॉस्टल हल्का सा दिख रहा है। हाँ 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 भाई, एक फोटो है अभी की, जस्ट मैं बाहर आया था ना तो फोटो क्लिक करी थी। ये फोटो देख लो, नाइट की फोटो है, लाइटें भी जल रही है इसके अंदर। ये उसी हॉस्टल की फोटो है, ठीक है? वो एक गर्ल्स हॉस्टल है और ये उसका मेस, आई थिंक खाना बनाने की जगह। आवाज किसकी है? पता नहीं किसकी आवाज है, कुछ पायल जैसी आवाज है भाई। गेट खुला हुआ है भाई। अशोक भाई टाइम देखो ना एक बार। भाई टाइम देखो, 1:26 हो रहा है भाई, रात के 1:26। और मैं खड़ा हूँ भाई एक मेस के अंदर, हॉस्टल का जो पार्ट है, यहाँ पर गर्ल्स के लिए खाना बनता था भाई। वहाँ पर जो गर्ल्स रहती थी वो खाना खाने के लिए यहाँ पर आती थी कभी कभार, मतलब आना पड़ता उनको। और यहाँ पर यार 2-3 गर्ल्स ने एक लड़की के साथ में मजाक किया और उसको यहीं छोड़ के चले गए। पर यहाँ पर जो खाना बनाने वाले थे उसके अंदर 2 या 3 लोग थे दारूबाज, ड्रिंकर, ठीक है, नशेड़ी। क्या लगा? कुछ खड़ा था, मेरे को भी लगा है ना। हाँ अवश्य भाई, चलते चलते कहानी बता दूंगा मैं, ठीक है भाई। यहाँ पर उन नशेड़ियों ने उस लड़की के साथ में गलत काम करके, ठीक है, उसको तंदूर होता है ना भाई, तंदूर जलावा जो जिसके अंदर रोटियाँ बनाते हैं, उस तंदूर के अंदर डाल दिया। कम से कम भाई 2 दिन बाद में पता लगा, ठीक है। और स्पेशल एक चीज़ बताए क्या, वो जो लोग थे ना उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई भाई 5 दिनों के अंदर। पर भाई आज भी वो जो लड़की है उसकी हंसने की आवाज़ आती है।
ये मेरे को समझ में नहीं आया भाई, ठीक है कसम से बता रहा हूँ, यहाँ पर आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी गोज़बम्स हो रखे हैं, देख लो यार। यार ये कोई इत्तेफाक नहीं है भाई, ठीक है, क्या मच्छर आ रहे हैं? हाँ। भाई इत्तेफाक नहीं है भाई, ठीक है। और भाई यहाँ पर विजिट करने के लिए मैं आया हूँ ना, तो भाई गर्ल्स हॉस्टल की वजह से वहाँ पर एक लड़की है, मेरी बहन आई थिंक वो सब्सक्राइबर है अपनी यूट्यूब फैमिली की, मेंबर है, उन्होंने ही मेरे को बुलाया कि और अभी भाई पूरा खाली हो चुका है, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 20 लड़कियां रह रही होगी उसके अंदर भाई, 250 लड़कियों में से 20 लड़कियां। बहुत बड़ा हॉस्टल है ये यार, बहुत बड़ा हॉस्टल है भाई। और है ना केवल और केवल है ना आगे का जो पार्ट है ना वो चालू है, पीछे का पूरा बंद है, पूरी लाइटें बंद है भाई, केवल जो गार्ड का है ना उसकी लाइटें चल रही है। मैं भी वहीं शिफ्ट कर दिया शायद, अब तो एक झलक दिखा दूंगा मैं, पर यार थोड़ा प्राइवेसी का है क्योंकि मैं हॉस्टल दिखा नहीं सकता, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि किसी की प्रॉपर्टी बदनाम करूं भाई, ठीक है, और उस गर्ल्स हॉस्टल की छवि खराब हो बस भाई। है ना मेरे को तो पता क्या लग रहा है, जिस तरीके से ये ना दारू वारू की बोतलें पड़ी है ना यहाँ पे, अंदर कोई नशेड़ी बैठे हैं भाई, डंडा वंडा ले है क्या भाई? डंडे का तो पता नहीं है पर भाई ये भाई पास के अंदर रेलवे ट्रैक है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हाईवे है भाई, ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं किसी भी चीज़ से, रेलवे ट्रैक ट्रेन जा रही है भाई, नज़र आ रही है शो भाई। हाँ। और पास की तरफ भाई 1 किलोमीटर पे हाईवे है भाई, आगे आज भी भाई उस लड़की की जो रूह है चीख चीख कर, शायद उसने अपना बदला तो पूरा कर लिया भाई पर उसकी मोक्ष सॉरी मेरी बहन, मैं माफी चाहता हूँ कि इतनी रात को मैं यहाँ पर आया और मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैं केवल और केवल आपसे बातें करने, आपकी जो आपके साथ में जो भी हुआ उस सुनने बस, और मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है शुभ भाई, ठीक है भाई। पता नहीं ऐसा लग रहा कोई पीछा कर रहा हो, बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। फटाफट फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी नए हैं वीडियो को शेयर कर दो यार, ठीक है भाई। डंडा लेके आ, क्या हुआ? नहीं वो बाथरूम वाली सीट है शायद, टाइल लगी हुई टाइल है लगी। भाई मेरे तो कलेजा बाहर आ गया, टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं मेस वालों के लिए। ये देखो भाई ये जो खाना बनाने वाले स्टाफ था उनके लिए आई थिंक ये लेडीज वाला डिपार्टमेंट होगा, ये जेंट्स का, ठीक है तो बैठ रहने दो, स्मेल सी आ रही है अंदर से यार। हाँ यार वो भी डिस्टर्ब हो गई, उसको परेशान नहीं करना चाहते भाई। और भाई अभी इसकी जो कंडीशन है ना वो आवाज सुनी, हंसने की आवाज है कोई, कौन से रूम से है कसम, हंसने की आवाज है, कौन से वाले रूम से? पास में हो, कंटिन्यू आवाज आ रही है हंसने की। कौन है आप? क्या आप यहाँ पे हो? क्या ये आवाज आपने की है? इस गेट से मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वापस मुझे इशारा दें। अंदर से हंसने की आवाज आ रही भाई, क्या सीन है ये? देखो मैं आपको बहन मानता हूँ और मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं आपके साथ में कुछ गलत करूँ यहाँ पर आकर, ठीक है, मैं आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। अगर हमसे कोई गलती हो तो मैं माफ़ करें, माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, ठीक है,
क्या मैं जो सोच रहा हूँ आप वही हैं? अगर वही हैं तो वापस मुझे एक हिंट दें। ये वही है यार, पता नहीं कैमरे में आ रही नहीं आ रही है, हल्की हल्की सी हंसने की आवाज आ रही है भाई। क्या आप किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हो? मैं आपको देखना चाहता हूँ और मैं आपको बहन मानता हूँ, ठीक है? अगर आपके साथ में कोई भी ऐसा कुछ करता, अगर आप मेरी बहन होती तो मैं खुद उनका गला काट देता। पर दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि उनको जो सबक आपने सिखाया और जो उनका अंजाम होना था वो आपने किया। मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी। क्या हम आपकी मोक्ष में कुछ मदद कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मोक्ष करवाऊँ यहाँ पर? सामने नहीं आ रही भाई, जो भी है। देखते हुए चलते हैं भाई, एक बार अंदर हंसने की आवाज आ रही है। अच्छा भाई, ये किचन जैसा लग रहा है। हाँ, वो लगा हुआ था प्लेटफॉर्म यहाँ पर, लगा हुआ था ये सामान, पूरा टूट गया भाई ये तो। ये टीन उखाड़ के ले गए भाई लोग, गेट टीन खिड़कियां सब ले गए लोग। वो नहीं नहीं ये किसी जाले ले भाई, गेट बंद हो गया, गेट बंद हो गया भाई, गेट बंद हो गया। ओ भाई, भाई भाई अंदर 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 अंदर, पता नहीं क्या था। आपने देखा क्या? हाँ कसम से। क्या था, लड़की या कुछ? वाइट शेडो, अजीब सी, भयंकर सी, जो फर्स्ट टाइम देखी थी ना ये वही थी। हाँ हवा के अंदर, हाँ भाई हवा के अंदर तैरती हुई, जो हवा में तैरती हुई चली थी। देखो मैं आपको बहन मानता हूँ, ठीक है? मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप भी मुझे अपना भाई माने। और क्या आप वापस इस गेट को हिला सकते हो? पीछे उठो, पीछे उठो, पीछे अशोक भाई गेट, अशोक भाई गेट, गेट एक मिनट, एक मिनट, गेट मुंह हो रहा है, जूम करने दो, गेट मुंह हो रहा है। दोस्तों यार, एक तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगूं या जो यहाँ पर है उनसे मांगूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? यहाँ पर आकर मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है भाई, डिस्टर्ब सा हो रखा है भाई। और मैं एक चीज़ ज़रूर भाई, भाई कोई था भाई, मैं क्या बोलूँ, पास में हो एक बार। अच्छा भाई, बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दिखाएं क्या? नहीं यार, नहीं। हाँ यार, थोड़ी सी प्राइवेसी का थोड़ा फालतू है ना, हम चाहते प्रॉपर्टी कल का कोई इशू बन जाए भाई, उधर भी थोड़ा ध्यान रखना। हाँ भाई, मेन रूम मेरे को यही लग रहा है, वो तंदूर वाला जो प्लेट, वो तनक भाई, बाहर भी कुछ है, यहाँ पे बाहर भी कुछ है। क्या अभी भी अंदर हो? अगर आप अंदर हो तो इस गेट को वापस क्या मूव करवा सकते हो? क्या ये गेट खुलाकर बता सकते हो कि आप यहीं पर मौजूद हो अभी? गेट बंद हो गया, क्या समझे भाई इसको?
चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं? क्या आप चाहते हैं मैं यहां से चला जाऊं? देखो आप जिस भी भयानक रूप में हो, हम आपको फेस नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें कुछ भी, उस रूम में देख के आते हैं क्या है। चलना भाई, आत्मा मदद चाहती है भाई। मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है भाई, बट कैसे मेरी बात सुनो सो भाई। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर का मेन गेट खुलना, ठीक है, नोटिस करना, नोटिस करना, बाहर का मेन गेट खुलना, यहाँ का गेट खुलना, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, कसम से बता रहा हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा भाई, है भाई, है ना, फालतू ना अंदर अंदर भटकने से बढ़िया है कि जो सवाल अपने थे उसका जवाब अपने को मिला है भाई। रूम में तो चल के आना है एक बार यार भाई, फिर हिम्मत करके इसी रूम में चलते हैं यार, है? इसी रूम में चलते हैं यार, अंदर का नज़ारा देखना है एक बारी, हैं? फिर हाथ जोड़ के विनती कर लो कि हम, मैं माफी मांगता हूँ आपसे कि मैं इतना आपने बोल दिया मेरे को, उसके बाद में भी मैं इस रूम के अंदर एंटर हो रहा हूँ। हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। ना ना ना, ना भाई ना, ना। क्या अंदर? ओ भाई साहब क्या है अंदर, ये देखो। ये है अंदर तो भाई, इसमें था वो तंदूर है? इसमें था वो तंदूर। भाई गेट बंद हो गया, ये क्या हुआ? दीवारों में दर्द आ गया। देखो भाई गेट बंद हुआ है भाई, यहाँ से निकलने में फायदा है। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, गेट खोलो। क्या लग रहा है भाई, क्या करें भाई? नहीं भाई, वो आवाज़ इसमें से ही है, इसी रूम से है, इस मेन रूम से। मैं बोल रहा हूँ पीछे हट जाते हैं भाई। आज देखो आप जो भी हो, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे पीछे ना आए, ठीक है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं वापस लौटूंगा, ठीक है? जितनी मदद की कोशिश होगी उतनी मदद जो भी होगा मैं जरूर करूँगा, मैं वापस जरूर लौटूंगा। मैं चाहता हूँ कि बस एक बार मैं अपनी आँखों से आपको देख लूँ अंदर अंदर। भाई सामने बाहर निकलो,